गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डीय स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम एंड यू हैव गिवन योर बेस्ट इन द पोस्ट मिट्टम एग्जाम डी स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर सिक्स अप टू द सेकेंड एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू में हमने क्या किया था लाइन सेगमेंट स्ट्रो की भी अब हम करेंगे एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री इन द एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री द मेन टॉपिक इज ओपन फिगर एंड द्लोज फिगर ओपन फिगर कौन सेविंग ओनली वन फिगर्स की स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही पॉइंट पे होती है उनको हम बोलते हैं क्लोज फिगर और जो स्टार्टिंग कहीं और एंड और कहीं और पॉइंट पे होता है वो होती है बेटा ओपन फिगर फॉर एग्जाम्पल लेट सी अब मैंने कोई भी फिगर ड्रॉ करनी स्टार्ट की मैंने यहाँ से स्टार्ट किया जब तक मैं इसके अब ये क्या है ओपन फिगर है अगर मैं इस पॉइंट को वापस यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग पॉइंट पे ही अगर हम वापस चले जाते हैं दैन इट इज क्लोज फिगर अ ट्राइंगल इज़ अ क्लोज फिगर क्योंकि ट्राएंगल में क्या हुआ हमने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस हम वही उसी पॉइंट पे चले गए तो वो क्या है क्लोज्ड फिगर है और ओपन फिगर स्टार्टिंग कहीं और से हुई स्टार्ट यहां से हुई और एंड यहां हो गया तो ये क्या है ओपन फिगर नाउ इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर आर गिवन सो दैट क्वेश्चन यू हैव टू डू योर सेल्फ आपकी बुक में फिगर्स बनी हुई है ऑलरेडी बेटा उनमें से सिर्फ आपको ये बताना है कि दैट इज ओपन और क्लोज इन द एक्सरसाइज 6.3 पॉइंट थ्री क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा फॉर द ओपन फिगर्स राइट ओ ओ, जो ओपन फिगर है उसके लिए आपको ओ लिखना है बॉक्स के अंदर के लि, में और जो क्लोज फिगर है उसके लिए आपको सी लिखना है जो फर्स्ट फिगर है वो क्या है ट्राइंगल है ट्राइंगल क्या है फिगर है तो आप क्या लिखोगे सी बी में क्या है लाइक like दिस ऐसे ही यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है तो वो कैसी फिगर है ओपन फिगर है क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हुई हैं तो वो क्या है ओपन फिगर है सी सी में एट जैसी शेप बनी हुई है तो वो क्या है क्लोज फिगर लाइक दिस ऑल द पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ बेटा नाउ वी विल डू द क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड हम करते हैं क्वेश्चन सेकेंड में क्या है राइट एनी टू इंग्लिश लेटर्स की जो इंग्लिश में लेटर्स हैं ए बी सी डी दीज आर द लेटर्स ऑफ एल्फाबेट दैट आर क्लोज एंड टू दैट आर ओपन कि हमें जो इंग्लिश अल्फाबेट्स लेटर्स हैं उनमें से हमें टू जो लेटर्स लिखने हैं वो तो कैसे लिखने हैं राइट एनी टू इंग्लिश लेटर्स ऑफ अल्फाबेट दैट आर क्लोज की जो क्लोज हो और टू लेटर्स हमें ऐसे लिखने हैं जो ओपन हो ओके okay? सो so, हम यहाँ पे आंसर करेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे सो क्लोज लेटर्स क्लोज लेटर्स और ओपन लेटर्स वैसे हमें सिर्फ टू ही लिखने हैं बट योर चॉइस इफ यू वॉन्ट टू राइट द फोर फाइव यू हैव टू राइट द फोर फाइव ए फर्स्ट लेटर इज ए आपको सिंपल में लिखना है कर्स्यू में राइट नहीं करना है अब जो ए लेटर है ए लेटर जब हम लिखते हैं तो वो क्या क्लोज होता है नो, no. आपको लगेगा कि ये यह यहां से ऐसे बनाया और फिर यहां से यह ऐसे होता है तो इट इज ओपन लेटर ये कैसा लेटर है बेटा ओपन है क्लोज नहीं है अब जो बी है बी को मैंने यहां से ऐसे शुरू किया और वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो ये क्या है क्लोज लेटर है सी सी क्या है ओपन है क्योंकि स्टार्ट यहां से हुआ एंड यहां हुआ डी डी को भी हम क्या कह सकते हैं क्लोज क्योंकि यहाँ से इसकी कोई कहीं से भी बाउंड्री आपकी अनटच नहीं है यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं से फिनिश हुआ है ओके डी ई कैसा है ओपन है एफ भी कैसा है ओपन है जी भी कैसा है ओपन है तो एटलीस्ट मिनिमम टू लेटर्स आपको ओपन और क्लोज में लिखने हैं अदरवाइज यू हैव टू राइट एनी टू लेटर्स फाइव लेटर्स एट लेटर टेन लेटर्स बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड दीज ओल आर द ओपन लेटर्स के एल एम एंड ओ ओ इज क्लोज सॉरी ओ इज क्लोज्ड पी क्या हुआ तो दटसेक्ट्रा इस टाइप से हम एटसेट्रा मीन्स और भी हम लिख सकते हैं एटसेकट्रा तो इस तरह से वी हैव राइट थ्री लेटर्स इन द क्लोज एंड फाइव लेटर्स इन द ओपन ओके अंडरस्टैंड बेटा तो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना था इंग्लिश लेटर्स में से जो ए से लिख के जेड तक ट्वेंटी सिक्स लेटर्स हैं उन ट्वेंटी सिक्स लेटर्स में से एनी टू लेटर्स तो हमें क्लोज वाले लिखने थे जो क्लोज फिगर ड्रॉ करते हैं और एनी टू ऐसे लिखने थे जो ओपन फिगर में आते हैं अंडरस्टैंड जो मोस्टली लेटर्स हैं वो कैसे हैं वो ओपन लेटर्स हैं क्लोज लेटर्स आर वेरी लेस नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड मे कैन यू टू क्लोज फिगर हमें टू क्लोज फिगर बनानी है यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स किसका यूज करके स्ट्रेट लाइन्स अगर हम स्ट्रेट लाइन्स का यूज करके हम फिगर बनाएंगे तो वी विल यूज द रूलर हम रूलर की हेल्प लेंगे सो विद द हेल्प ऑफ रूलर यू हैव टू राइट द वी हैव टू ड्रॉ द फिगर हमें कैसी फिगर ड्रॉ करनी है क्लोज फिगर ड्रॉ करनी है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम पॉइंट पे यानी कि हमने यहां से ये यह फिगर ऐसे स्टार्ट की और एंड भी कहाँ पे होगा सेम पॉइंट पे होगा तो वो कैसी फिगर होती है बेटा क्लोज फिगर है जो आपकी हमारी ट्राइंगल है रेक्टेंगल है स्क्वेयर है तो ये हमने क्या बना दी रेक्टेंगल और रेक्टेंगल क्या हमारी है हमारी ये क्लोज फिगर है कैसे फिगर है ये क्लोज फिगर सी एल ओ एस डी क्लोज फिगर कैसी फिगर ड्रॉ की हमने क्लोज फिगर और कैसे ड्रॉ की हमने यूजिंग द स्ट्रेट लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स का यूज करके तो ये जो आपकी डेफिनेशन है यानी कि जो सॉरी आपकी जो स्टेटमेंट है ये आप अपने जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसमें आप लाइन वाले पेज पे लिखोगे और ये जो क्लोज लेटर्स और ओपन लेटर्स हैं और ये लेटर्स हैं ये कहां लिखोगे आप अपने प्लेन पेज पे लिखोगे ये प्लेन पेज का वर्क है ये लाइन पेज का स्टेटमेंट आपको लाइन पेज पे लिखनी है और फिगर आपको प्लेन पेज पे ड्रॉ करनी है तो रेक्टेंगल है ट्राइंगल है स्क्वेयर है सर्कल है बट सॉरी हमें स्ट्रेट लाइन से बनानी है बेटा यूजिंग द स्ट्रेट लाइन बट सर्कल जो है वो स्ट्रेट लाइन से नहीं बनता है इसलिए वो हमें ड्रॉ नहीं करना है तो आप स्क्वेयर रेक्टेंगल पेंटागन हेक्सागन, लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ इट्स नोट नेसेसरी कि आप ट्राइंगल स्क्वेयर रेक्टेंगल ही ड्रॉ करो आपकी चॉइस आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो बट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन का यूज करके हमें ड्रॉ करनी है दीज आर द क्लोज फिगर यूजिंग द सिर्फ कैसे फिगर्स के बारे में पढ़ाया अभी तक टू डायमेंशनल फिगर यानी कि जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं एक प्लेन पेपर पे अभी हमने थ्री डायमेंशनल शेप के बारे में रीड आउट नहीं किया है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अ हैंड करचिप हैंड करचिप मीन्स हैंकी जो हैंकी होता है वो कैसी शेप का होता है आपका हैंकी जैसे मोस्ट ऑफ द हैंकी जो होते हैं बेटा वो स्कोअर शेप में होते हैं ओके okay? आप कुछ हैंकीज में ही देखोगे कि वो रेक्टेंगल शेप में उगते हैं जो टावल टाइप में होते हैं लॉन्ग में, में होते हैं वो कैसी शेप में होते हैं रेक्टेंगल में अदरवाइज जो हैंड करचिप है वो कैसी शेप में होता है स्क्वेयर शेप में सो अ हैंड करचिप कैसी शेप होती है उसकी स्क्वेयर हैंड कचिप की शेप कैसी होती है स्क्वेयर नेक्स्ट जो है एंड आइसक्रीम कौन जो आइसक्रीम कौन हो है वो कैसी होती है ऊपर से ट्राइंगल जैसी होती है और नीचे से ऐसे फो होती है तो यानी कि आइसक्रीम कौन में आपको टू डायमेंशन में कौन सी शेप दिखाई देती है की. ट्राइंगल की एंड आइसक्रीम कौन ट्राई एंगल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड कैसा होता है बेटा पोस्ट कार्ड एक रेक्टेंगल की शेप में होता है जैसे आपके घर में मैरिज कार्ड आता है ना तो मैरिज कार्ड भी जो पोस्ट कार्ड है वो मैरिज कार्ड के जैसा ही होता है कुछ कुछ पोस्ट कार्ड भी वैसा ही होता है और जो आपका एनवलप होता है वो भी वैसा ही होता है एनवलप भी क्या होता है एनवल जो मैरिज कार्ड जिसके अंदर डलता है एक तो मैरिज कार्ड के अंदर एक बाहर जो जिसके अंदर मैरिज कार्ड अंदर डाला होता है तो जिसके अंदर वो मैरिज कार्ड हम डालते हैं वो क्या होता है एनवलप होता है और पोस्ट कार्ड उससे क्या होता है पोस्ट कार्ड भी सेम वैसी शेप में होते हैं यानी कि ये दोनों कैसी शेप में मिलते हैं आपको रेक्टेंगल की शेप में सो so, आप पोस्ट कार्ड कैसी शेप होती है रेक्ट एंगल कैसी शेप में होता है पोस्ट कार्ड रेक्ट एंगल रेक्टेंगल की स्पेलिंग क्या होती है -E rect, और फिर पीछे लगा दो एंगल एल ई ऐसे ही जो है, ट्राई लगा दो ट्राई मीन्स होता है थ्री ट्राइंगल यानी कि जिसके अंदर थ्री एंगल्स होते हैं थ्री और ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती है तो ट्राई एंगल स्पेलिंग लिखने के लिए ट्राई टी आर आई ट्राई और फिर एंगल अंडरस्टैंड नेक्स्ट बेटा डी पार्ट आ फुल मून जो पूर्णिमा को हमें फुल मून दिखाई देता है तो जो मून होता है उसकी वो कैसी शेप में दिखा देता है ऐसे राउंड शेप में होता है ना तो राउंड शेप वाले फिगर को हम क्या बोलते हैं यानी कि वो सर्कल जैसी शेप में होता है तो सर्कल सी आई आर सी एल ई सर्कल नेक्स्ट है बेटा आ बेंगल जो बेंगल होती है आपकी मम्मी पहनती है जो बैंगल है बैंगल की शेप भी कैसी होती है अब मैंने बैंगल पहनी है तो बैंगल की शेप कैसी होती है ऐसे राउंड में होती है तो उसकी भी शेप क्या है सर्कल सर्कल ओके अब जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा आप ब्लैक बोर्ड मेरे पास हमारे पास कैसा है बोर्ड व्हाइट बोर्ड ऐसे ही कैसा क्या होता है ब्लैक बोर्ड होता है तो ब्लैक बोर्ड की शेप कैसी हो अब जो ये बोर्ड है ये कैसी शेप शेप में में है बेटा रेक्टेंगल तो जो ब्लैक बोर्ड होता है स्कूल्स में वो भी कैसी शेप में होता है रेक्टेंगल की शेप में तो अब ब्लैक बोर्ड शेप ऑफ अ ब्लैक बोर्ड इज रेक्ट एंगल सो इन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा टोटल टेन पार्ट्स आर गिवन सिक्स पार्ट्स हम सोल्व कर चुके हैं जो जो फोर पार्ट्स हैं यू हैव टू डू योर सेल्फ सो टूडेज इज होमवर्क इज टू डू एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन बुक क्वेश्चन नंबर फोर्थ इन बुक एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड यू हैव टू डू इन प्रैक्टिकल नोटबुक प्रैक्टिकल नोटबुक में वर्क कैसे करना है स्टेटमेंट आपको लाइन वाले पेज पे लिखनी है और फिगर आपको प्लेन पेज पे ड्रॉ करनी है ओके स्टेटमेंट आपको ये लाइन वाले पेज पे राइट करनी है और जो फिगर आप ड्रॉ करोगे वो प्लेन पेज पे ड्रॉ करोगे क्वेश्चन थर्ड में आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो कैसी भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो बट उस फिगर को ड्रॉ करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी है रूलर की हेल्प लेनी है स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करनी है और फिगर कैसी ड्रॉ करनी है क्लोज ड्रॉ करनी है ओके okay? और फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है फोर्थ क्वेश्चन में शेप जो आपको गिवन है कि हैंड कर्चिप एंड आइसक्रीम की यहाँ पे एक आइटम का नेम गीवन है हमें बताना है कि जो वो आइटम है उसकी शेप कैसी होती है ओके बेटा थैंक यू